तो दोस्तों, सिर्फ सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है मार्च 30, 2019, और डे है सैटरडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेट करता था। आपके लिए तीन स्टेटमेंट्स थी, शुरू की दो स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट थी, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट थी, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा ए, वन एंड टू ओनली। आज के लिए आप लोगों का जो सवाल है वो है मनी मल्टीप्लायर से लिंक करते हुए, तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मनी मल्टीप्लायर इन इंडिया। पहली स्टेटमेंट कह रही है आई हायर वैल्यू फॉर दिस रेशियो कॉल्ड द मनी मल्टीप्लायर इंडिकेट्स दैट द बैंकिंग सिस्टम जनरेट्स अ हायर मनी सप्लाई आउट ऑफ मनी गिवन बाय सेंट्रल बैंक। यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक पैसे देता है यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम के अंदर, उससे ज़्यादा मनी सप्लाई क्रिएट जनरेट होती हुई हमें नजर आती है। दूसरी स्टेटमेंट है कि इंडिया का जो मनी मल्टीप्लायर है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। थर्ड स्टेटमेंट इज इन इंडिया द रीसेंट पुश टू फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज लेड टू पीपल होल्डिंग लेस कैश इन हैंड, लोग अपने पैसे कम अपने हाथों में रखने लगे हैं, डिपॉजिट ज़्यादा कराने लगे हैं, जिससे यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर इंडिया के अंदर आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन है ए, वन एंड टू ओनली, बी, टू एंड थ्री ओनली, सी, वन एंड थ्री ओनली, या डी, ऑल ऑफ द अबव। अपने अपने आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना और कल आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा। आज की न्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं। खबर मिलती है आपको पेज नंबर वन पे, इंक्रीज इन वीवीपैट नंबर्स विल डिले काउंटिंग बाय 6 डेज। इलेक्शन कमीशन ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट जमा करते हुए बोला कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा था कि आप हमें एक एफिडेविट में लिख के बताओ कि आप यहां पे क्यों रैंडम सेलेक्शन नहीं कर सकते, 50% जो वीवीपैट हैं और ईवीएम मशीन्स हैं उनको वेरीफाई नहीं कर सकते, और अगर आप करते हो तो आपको किन किन लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितना समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर 2019 के चुनाव हम लोगों के सामने हैं और ये बोला गया इलेक्शन कमीशन द्वारा कि जो रिजल्ट की जो डेट है वो यहाँ पे पूरे 6 दिन से डिले हो जाएगी अगर यहाँ पे 50% वीवीपैट स्लिप्स को मैच कराया जाएगा, वेरीफाई कराया जाएगा। द 50% वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल स्लिप वेरिफिकेशन इन ईच असेंबली सेगमेंट ऑफ अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन एन एवरेज शैल एनलार्ज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर काउंटिंग टू अबाउट 6 डेज। यहाँ पर बोला है कि जो ईवीएम और वीवीपैट की जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को 99.9936% भरोसा है। अगर हम लोग यहाँ पर सैंपल साइज बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें बहुत ही कम यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। तो मतलब अपने ऊपर इलेक्शन कमीशन को पूरा भरोसा है। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस आप देखोगे, टाइम जो हम लोग यहाँ पे बात करें कि कितना टाइम इम्प्लीकेशन होगा ऑफ कंडक्टिंग 50% स्लिप काउंट इज एज फॉलोज। तो टोटल नंबर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं पोलिंग स्टेशंस, वो 10.35 लाख हैं। टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पे 4125 हैं। एवरेज नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस यहाँ पे 250 है। ओके, इसके साथ साथ एवरेज टाइम टेकन फॉर वीवीपैट स्लिप काउंट ऑफ वन पोलिंग स्टेशन यहाँ पे 1 घंटा लगता है। एवरेज टाइम टेकन फॉर 50% स्लिप यहाँ पे आप देखोगे 250 अगर यहाँ पे एवरेज है और उसको अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 125 आवर्स, दैट इज 5.2 डेज हम लोगों को एक्स्ट्रा होते हुए नजर आएंगे। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से यहाँ पे निकाला है इलेक्शन कमीशन की 6 दिन ज़्यादा लगेंगे अगर वीवीपैट को वेरीफाई किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पहले इस चीज़ को कह दिया था कि उन्होंने यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी के यहाँ पे गठन के बाद इसका फैसला लिया कि यहाँ पे हर एक असेंबली से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक पोलिंग बूथ को ही यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट करके वेरीफाई किया जाएगा और वो एक बहुत ही साइंटिफिक लॉजिक है। इस चीज़ को भी इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया था। साथ ही इलेक्शन कमीशन मेड इट्स स्टैंड क्लियर डिस्पाइट द कोर्ट्स रीसेंट स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन
कि यहाँ पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चाहती थी, जो यहाँ पे 21 अपोजिशन पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के पास रिक्वेस्ट डाली, सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिफिकेशन होगी तो लोगों का भरोसा और बढ़ेगा, पर इलेक्शन कमीशन उससे हम लोगों को राजी होती हुई नहीं नज़र आई। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर यह बोला कि यहाँ पर ईवीएम और वीवीपैट को 3 लेवल चेक्स से गुजरना पड़ा है प्रायर टू द इलेक्शन। हर ईवीएम हर वीवीपैट को चेक किया गया है वंस बाय स्लिप वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट लेवल चेक। इसके बाद 5% जो है ईवीएम उनको सिलेक्ट किया गया रैंडम बेसिस पे, हाई स्क्रूटनी बेसिस पे मॉक पोल कराए गए, स्लिप वेरिफिकेशन की गई 1200 वोट्स की ऑफ 1%, 1000 वोट्स की ऑफ 2%, 500 वोट्स की ऑफ 2%। जब पूरी तरीके से चेक्स हो गए रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने, रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के भी थे और कुछ कैंडिडेट्स भी थे जिनके सामने सारी की सारी चेकिंग हुई है, साथ ही ईवीएम एंड वीवीपैट्स आर सब्जेक्टेड टू द सेकेंड मॉक पोल। इसके अंदर स्लिप वेरिफिकेशन होती है उस समय पर जब यहाँ पे सेटिंग होती है कैंडिडेट्स की ऑन द ईवीएम्स, कि किस ईवीएम का नाम किस पर्टिकुलर ऊपर नीचे होगा उसके बेसिस पर जब सेटिंग होती है। फिर तीसरा मॉक पोल भी कराया गया जाएगा, दैट इज अंडरटेकन विद स्लिप वेरिफिकेशन ऑफ ऑल एट लीस्ट 50 वोट्स ऑन ईवीएम एंड वीवीपैट। तो पूरी तरीके से यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स के सामने भी चेक किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने भी, कैंडिडेट्स के सामने भी। तो यहाँ पर एक फुल प्रूफ आप कह सकते हो ईवीएम और वीवीपैट का भरोसा बनाने की बात यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कर रही है, बट इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाह रही है कि रिजल्ट में डिले हो और यहाँ पर जो रैंडम वेरिफिकेशन है उसकी जगह पर एक 50% वाला वेरिफिकेशन आ जाए। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 1 पे आपको खबर मिलती है MPs रिजेक्ट ब्रेग्जिट डील फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार लगातार यहां पर ब्रेग्जिट वाली जो डील है वो रिजेक्ट होती हुई नजर आई हम लोगों को ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर। एंड ब्रिटिश MPs ऑन फ्राइडे रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थ्रेसा मेज यूरोपियन यूनियन डाइवोर्स डील फॉर अ थर्ड टाइम। अब यहाँ पर तीसरी बार लगातार हुआ है, तो हम लोगों को जो उम्मीद थी वो ये है कि आगे आने वाले 2 हफ्तों में हम लोगों को नो डील विड्रॉल देखने को मिल सकता है। जो लॉ मेकर्स हैं इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, उन्होंने यहाँ पे थेरेसा मे की प्ली से यहाँ पे डिनाई किया। बेसिकली यहाँ पे जो विड्रॉल एग्रीमेंट था उसमें 344 वोट्स टू 286 वोट्स से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को ख़त्म होती हुई नज़र आई। ये वाला जो चार्ट है ये मैंने आपके लिए स्पेशली सर्च किया है, आप देख सकते हो ब्रेक्जिट व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट। तो यहाँ पे जिस तरीके से चीज़ें शुरुआत हुई थी 14th of November को, फिर 25th of November को डील हुई, फिर December 2018 को यहाँ पे UK पार्लियामेंट ने वोट किया, बट यहाँ पे जो 2019 के अंदर यूरोपियन यूनियन विड्रॉल एग्रीमेंट बिल को इंट्रोड्यूस जब किया गया था यहाँ पे बताया गया था अगर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है तो क्या क्या होगा। अब रिजेक्ट करने पे या तो यहाँ पर नो डील एग्जिट की तरफ हम लोग जाएंगे, या रीनेगोशिएशन भी हो सकती है, या एक जनरल इलेक्शन फिर से हमें देखने को मिल सकते हैं, मतलब कोई नए हमें प्राइम मिनिस्टर भी देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ होगी, या एक फिर से रेफरेंडम कराया जा सकता है। रेफरेंडम के पक्ष में यहाँ पे कोई भी नहीं है, ओके, क्योंकि रेफरेंडम पहले ही कराया गया था, रेफरेंडम में बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड यहाँ पे रेफरेंडम था, सिर्फ 51% ही लोग चाहते थे कि यहाँ पे ब्रेग्जिट हो, 49% लोग नहीं चाहते थे, तो 1-2% का जो पूरा का पूरा खेल है वो ना बिगड़ जाए, इसलिए यहाँ पे रेफरेंडम भी नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है, ओके। तो ब्रिटेन वॉज ड्यू टू लीव द यूरोपियन यूनियन और ये चांस था कि मार्च 29 को यहाँ पे लीव कर देंगे, उस दिन वो इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, बट नाउ यूरोपियन यूनियन हैज सेट अ डेडलाइन कि अप्रैल 12 यहाँ पे एक डेडलाइन होगी, लास्ट डेडलाइन होगी, और 2 ऑप्शन होंगे कि या तो ब्रिटेन लीव करे विद नो डील एट ऑल, या फिर एक लेंथी एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे एग्री करे कि एक लंबे समय तक और यहाँ पे जो हमारा यूरोपियन यूनियन है उसका पार्ट रहेगा ब्रिटेन, और उसके बाद यहाँ पे अलग होगा। यूरोपियन यूनियन समन लीडर्स टू समिट ऑन अप्रैल 10 वार्निंग दैट ब्रिटेन इज लाइकली टू क्रैश आउट ऑफ द ब्लॉक ऑन अप्रैल 12। और अब जो ये चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट हैं ये हमें होती हुई नज़र आई हैं और इसका इम्पैक्ट हमारे देश की इकोनॉमी पे भी पड़ने लगा है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हमें रिसेशन भी देखने को मिल सकता है, चाहे वो US चाइना के ट्रेड वॉर के बीच में हो जिस तरीके से रिसेशन चल रहा है, और यहाँ पे ब्रेग्जिट भी एक बहुत बड़ा इशू है, और साथ ही आप जो देख रहे हो चाहे वो ईरान में क्राइसिस हो रहे हैं या वेनेजुएला में क्राइसिस हो रहे हैं, वो पूरी की पूरी दुनिया को एक स्लगिश रोज की तरफ लेकर जा रहा है। इसी के साथ एक ये वाला मैप भी आया है द हिंदू के अंदर, इसको आप लोग डाउनलोड करके एक बार देख लेना, ओके। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ कवर कर दी हैं। पेज नंबर 1 पे आपको एक और खबर मिलती है गवर्नमेंट सेट्स अप ग्रुप टू मॉनिटर टेरर सिंपथाइजर्स।
गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है कि जो टेरर सिंपथाइजर्स हैं उनको हम लोग मॉनिटर करेंगे, जो टेररिज्म को एक तरीके से आप कह सकते हो सिंपथाइज करते हैं, एक तरीके से इनडायरेक्ट चैनल से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए। तो जो हार्ड कोर सिंपथाइजर होते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स भी हैं, कुछ टीचर्स हैं जो कि यहाँ पे सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ केसेस JNU के अंदर भी देखे थे ऐसे, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इसी के अंदर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया एक टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप। नाउ दिस ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट, द टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप। और इस जो टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप है इसको बनाया गया और अब यही मॉनिटर करेगा। मेनली क्या होगा कि यहाँ पे सिनर्जाइज किया जाएगा, कंसर्ट किए जाएंगे सारे के सारे एक्शंस को, टेरर फिनेंसिंग को रोकने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हो या कोई यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो मल्टी जो लोग हैं जो यहाँ पे सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, उनके ऊपर भी नज़र यहाँ पे रखी जाएगी। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरी ग्रुप होगा जिसके अंदर 8 मेंबर्स होंगे, 8 मेंबर का यहाँ पर एंटी टेरर या आप कह सकते हो टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप यहाँ पर बनाया गया है। जो टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप है वो कोऑर्डिनेट करेगा यहाँ पे जितनी भी रजिस्टर्ड केसेस हैं उनको, जो कि यहाँ पे टेरर फिनेंसिंग या टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज से लिंक करते हैं, और उसके ऊपर एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचने की कोशिश करेगा। एक बार जो की पर्सन्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ही क्यों ना हो जो कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर केसेस चालू कर दिए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी जाएगी और जो फंड्स हैं उनको भी स्टॉप करने की कोशिश की जाएगी। द ग्रुप विल मीट ऑन अ वीकली बेसिस और यहाँ पे सबमिट करेगा एक्शन प्लान जो उन्होंने यहाँ पे बनाया है, जो उन्होंने यहाँ पे एक्शंस लिए हैं रेगुलरली टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पे जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CID ऑफ JNK पुलिस वो यहाँ पे चेयर करेंगे, इनके साथ साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एडिशनल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो वो यहाँ पे एज अ मेंबर वर्क करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो एजेंसीज हैं जैसे CBI है, NIA है, CBDT है, CBITC है, उन सबके यहाँ पे मेंबर्स पार्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 पे, आपको अगली खबर मिलती है, डेब्रिस फ्रॉम एंटी सैटेलाइट टेस्ट टू डिसइंटीग्रेट इन 45 डेज सेज ऑफिशियल। कल मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स कि जो एजेंसीज हैं वो सर्च कर रही हैं कि यहाँ पे 250 से ज़्यादा एटलीस्ट 270 यहाँ पे बताया जा रहा है, जो हम लोगों ने अभी माइक्रोसैट आर को अपने फिनिश किया, माइक्रोसैट आर को हम लोगों ने उड़ा दिया अपने मिशन शक्ति के अंदर, अपनी एंटी सैटेलाइट मिशन के अंदर, तो उसके जो डेब्रिस हैं, उसके जो वेस्ट हैं, उसको यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन हो चुके हैं पर आज भी वही सवाल खड़ा हुआ है स्पेस डेब्रिस के ऊपर। तो असैट मिसाइल हिट अ इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसैट आर इन लो अर्थ ऑर्बिट जो कि 300 किलोमीटर पे थी। यहाँ पे 270 से ज़्यादा डेब्रिस को जनरेट किया गया, मतलब हम लोगों ने देखा 270 से ज़्यादा डेब्रिस जनरेट हुए। जब कोई मिसाइल हिट करेगी तो ऑब्वियसली उसके टुकड़े हो जाएंगे, और यहाँ पर यह है कि ज़्यादातर जो यहाँ पे डेब्रिस है वो हमें 45 डेज के अंदर डिसइंटीग्रेट होते हुए नजर आएंगे। जो सबसे बड़ा जो पीस था वो डी ऑर्बिट हो जाएगा एंड इज एक्सपेक्टेड टू डीग्रेड बाय अप्रैल 5। US ने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पे जो डेब्रिस है वो कोई भी थ्रेट पोज नहीं करता टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या कोई जो बाकी सैटेलाइट्स हैं जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर घूम रही हैं। इंडिया के अलावा 3 और ऐसे देश हैं जिनके पास यहाँ पे असैट टेक्नोलॉजी है। एक है चाइना, चाइना ने सबसे पहले यहाँ पे ये असैट वाला मिशन कंडक्ट किया था, फिर है यूनाइटेड स्टेट्स और फिर है रशिया, और अब फाइनली हमारे देश का नाम भी इन चारों देशों के अंदर ऐड हो गया है। तो इन्हीं के बारे में सारी के सारी डिटेल्स हैं जो आप लोगों को नोट्स के अंदर मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 पे, आपको खबर मिलती है, सेंटर टू बोरो 7.1 लाख करोड़ इन फिस्कल ईयर 20 सेज गर्ग। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग जी ने यहां पे अनाउंस किया है कि जो ग्रॉस बोरोइंग होंगी सरकार की फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर वो यहां पर 4.42 लाख करोड़ होंगी, विच वर्क्स आउट टू 62.3% ऑफ द टोटल टारगेट फॉर द एंटायर ईयर। पूरे साल का जो टारगेट है उसका 62.3% यहाँ पर हमारा बोरोइंग होगी। आप कह सकते हो वो हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा,
हमारे शुरुआती 2019 से 20 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। नाउ एट द रेट ऑफ 17,000 करोड़ पर वीक फॉर 26 वीक्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, जिसका अमाउंट यहाँ पे मैंने आपको बताया जो कि यहाँ पे 62.3% है ग्रॉस बोरोइंग प्रोग्राम का। बाकी जो रिमेनिंग 2.68 लाख करोड़ है इट विल बी बोरोइंग थ्रू द प्रोग्राम फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द FY20। यहाँ पे बताया गया कि जो ग्रॉस बोरोइंग 7.10 लाख करोड़ रुपीस की है पूरे के पूरे साल की, जो सिग्निफिकेंटली हायर जो हम लोगों ने यहाँ पे पिछले साल में एस्टिमेट करी थी 5.35 लाख करोड़ रुपीस। 2018-19 के अंदर जो गवर्नमेंट है उसने बोरो किए 2.88 लाख करोड़ इन द फर्स्ट हाफ और 2.47 लाख करोड़ इन द सेकेंड हाफ। मिस्टर गर्ग ने यहाँ पे इस चीज़ को भी बोला कि जो ग्रॉस बोरोइंग का अमाउंट है वो ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो रीपेमेंट प्रोग्राम है सरकार के वो हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं, एज वेल एज जो नेट बोरोइंग है इट इज एक्चुअली इन कीपिंग विद द ट्रेंड ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। यहाँ पे ये भी बोला गया कि एक नया बेंचमार्क रेट आ सकता है फॉर 7 ईयर्स सिक्योरिटीज इन FY20। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बोला कि जो फिस्कल डेफिसिट है फॉर द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर वो यहाँ पर 8.51 लाख करोड़ रुपीज रहा, जो कि फुल टारगेट ईयर से या फुल टारगेट से 134.2% ज़्यादा था। तो फिस्कल डेफिसिट विच इज़ इन द एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ओवर इट्स रिसीट स्टूड एट 7.7 लाख करोड़ इन द प्रीवियस मंथ विच वॉज 121.5% ऑफ द फुल ईयर टारगेट। यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम लोग अपने टारगेट के प्रति बुरे समर्पित हैं, 3.4% का फिस्कल डेफिसिट रहा है इस करेंट साल में, एज ऑफ नाउ दैट इज व्हाट द टारगेट इज और आगे आने वाले साल टारगेट जल्द ही हमें फाइनलाइज होता हुआ नजर आएगा। पेज 18 पे आगे बढ़ते हैं, आपको खबर मिलती है 5 वेराइटीज ऑफ इंडियन कॉफी अवार्डेड GI सर्टिफिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की यहां पे बात हो रही है, 5 वेराइटी ऑफ इंडियन कॉफी को यहां पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया है। ये एक मूव है, बहुत इंपॉर्टेंट मूव है जिससे ग्लोबल विजिबिलिटी बढ़ेगी हमारी उन कॉफी की और यहां पे ग्रोअर्स को राइट वैल्यू मिल सकेगी और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहां पे बात करते हैं कुर्ग अरेबिका कॉफी के बारे में, तो इट इज ग्रोन स्पेसिफिकली इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यहां पे जो वायनाड रोबस्टा कॉफी है जो कि ग्रो होती है वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, कल मैंने आपको वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताया था जहां पे 5 इको टूरिज्म जो पार्क हैं उनको अभी बंद कर दिया गया है वाइल्ड फायर्स की वजह से। इसके साथ साथ यहां पर चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी जो कि चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट डेक्कन प्लेटू कर्नाटका के अंदर होती है, अराकू वैली अरेबिका कॉफी जो कि यहाँ पे हिली ट्रैक्स ऑफ विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर होती है और उड़ीसा के अंदर होती है, और यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाबा बुडान अरेबिका कॉफी जो कि सेंट्रल पोर्शन ऑफ चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे जो मसनूड मालाबार रोबस्टा कॉफी है वो एक यूनिक कॉफी है हमारे देश की, इट वाज आल्सो गिवन द GI सर्टिफिकेशन बट उसको पहले दे दिया गया था, अब इन बाकी 5 को जल्द ही दिया गया है। एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पर जो पूरी की पूरी जो कॉफी कल्टिवेशन है वो अंडर शेड होती है, हैंड पिक्ड होती है और उसको सन ड्राई किया जाता है, सूर्य के नीचे यहाँ पे ड्राई किया जाता है। इट इज कल्टिवेटेड अक्रॉस 4.54 लाख हेक्टेयर बाय 3.66 लाख फार्मर्स। बहुत सारे हमारे किसान भाई इस पर्टिकुलर कल्टिवेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस कॉफी के लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिससे फार्मर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा मार्केट के साथ इन ट्रांसपेरेंट मैनर और जिसकी वजह से उन्हें फेयर प्राइस मिल सकेंगे अपने कॉफी प्रोडक्शन के। यहाँ पे जो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने कोलैबोरेट किया है बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल एका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के साथ, एका प्लस के नाम से जानते हैं, और वो डेवलप कर रहे हैं एक ब्लॉकचेन बेस्ड मार्केट प्लेस एप्लीकेशन। ओके, तो इन्होंने डेवलप कर दी है एक ब्लॉकचेन बेस्ड मार्केट प्लेस एप्लीकेशन। इसी के साथ आपको आगे खबर मिलती है साइंटिस्ट आइडेंटिफाई जेनेटिक म्यूटेशन इन अ वुमेन हु फील्स पेन। तो यहाँ पे जो आप महिला देख रहे हैं यहाँ पे इन महिलाओं को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, जब इन्होंने अपने बेबी की डिलीवरी करी थी उस समय भी इन्हें बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, तो यहाँ पर इनको एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही अनोखी बात थी। तो मिस कैमरॉन को वर्चुअली आप कह सकते हो शी इज़ अ पेन फ्री वुमेन, उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। और इसका कारण क्या बताया जा रहा है, इसके जब साइंटिस्ट ने स्टडी करी तो कारण ये बताया गया कि कुछ इनके अंदर जो जीन्स हैं वो मॉडिफाई हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि शी इज़ दी वन वुमेन, बट यहाँ पर हम लोग बहुत साल से रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो डॉक्टर श्रीवास्तव ने यहाँ पर रेफर
की है इनको, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन मॉलिक्यूलर नॉसिसेप्शन ग्रुप को, और यहाँ पे अंडरस्टैंड किया गया कि क्या है बायोलॉजी ऑफ पेन एंड टच। जब कोई आपको टच करता है या कोई आपको हर्ट करता है तो आपको पेन होता है, तो उसकी असलियत में बायोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे जेनेटिक प्रोफाइल को स्टडी किया गया और देखा गया कि यहाँ पे एक जीन है जिसको बोला जा रहा है फहा आउट। ओके, तो दे आर लुकिंग फॉर ऑन अ जीन, द साइंटिस्ट कॉल इट अ फॉल आउट। और फॉल आउट बेसिकली बताया जा रहा है कि जीन के ऊपर की एक कोटिंग होती है, और जब वो कोटिंग प्रेजेंट नहीं होती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, तो जीन हमें बदलता हुआ नजर आता है, उसकी वजह से पेन यहाँ पे महसूस नहीं हो पाता। ओके, एक्चुअलिटी में जो पेन है उसको महसूस करने की जो क्षमता है वो चली जाती है, और इसका इस्तेमाल आगे हम लोग करके एनेस्थीसिया की जगह भी कर सकेंगे। आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बता सकते हो। वीडियो को ही एंड करते हैं, सो लव एंड peace from my side. Thank you for having me here, guys, and have a good day ahead.